साइज अब 2.2 है, 2.1 कंप्लीट हो गई। तो इसका पहला सवाल देख लें, इसमें कह रहे हैं फाइंड द इंडिकेटिंग टर्म ऑफ द फॉलोइंग, कहेंगे इसकी जो है सिक्स टर्म मालूम करें। इस हम पहले इसको खोल देते हैं ना, अब इसकी पावर 10 है, इसको खोलेंगे तो इसकी 11 टर्म्स आएंगी, मतलब पिछला वाला फार्मूला था 2.1 वाला, लेकिन वो सारा नहीं लगाना है। इसमें सिर्फ कह रहे हैं कि छठी जो होगी ना इसकी टर्म, फिर छठे नंबर पर आएगी उसको मालूम करो। तो इसका फार्मूला है कुछ, ये दोनों फार्मूला देख रहे हैं आप, ये आपको याद करने होंगे। अच्छा, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं NCR, ये C लिखना ज़रूरी नहीं है, इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं, बाकी ये दोनों सेम हैं, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये निकलेगी कैसे, ये बराबर होती है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। अच्छा, ये जो निशानी है इसको फैक्टोरियल कहते हैं। ये फैक्टोरियल निकलेगा कैसे, मिसाल के तौर पर 3 के आगे फैक्टोरियल है तो 3, 2, 1 हो जाएगा, अगर 4 के आगे है तो 4 × 2, 4 × 3 × 2 × 1, इस तरह 5 के आगे है तो 5, 4, 3, 2, 1, फैक्टोरियल इस तरह निकलता है। तो बाकी ये तो जो पावर होगी वो हम निकाल लेंगे। अब इस सवाल पे आ जाएं, ये फॉर्मूला मैंने लगाया। अब इसमें आपको ए तो पता है, ए ये पहला वाला होता है जिस तरह पहले था एक्स स्क्वायर, बी है -3.2x, एन होती है पावर। अब इसमें एक चीज़ है r+1 यानी जो टर्म मालूम करनी है, तो r+1 हो गया 6, 1 को उधर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो r हो गया हमारे पास 5, ठीक। ये a b n और r हमें पता चल गया, अब इस फॉर्मूला में हम पुट कर दें। ये फॉर्मूला है, इसमें पुट करें r+1 बराबर 6 के, ये 6 यानी ये t6 यानी छठी टर्म निकाल रहे हैं जो उन्होंने बोली, ठीक है। ये n क्या है हमारे पास 10, r क्या है 5, फिर क्या है a की पावर n माइनस r, एन माइनस आर, एन है हमारे पास 10 और आर है 5, 10 - 5। अच्छा, ए क्या है वो भी लिखेंगे ना, ए है हमारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद बी, बी की पावर आर, बी क्या है पहले लिख लो, बी है हमारे पास -3/2x, बी की पावर है आर, आर क्या है 5, यहाँ तक क्लियर। अब ये चीज़ किसके बराबर होगी, मैंने यहाँ पर लिखवा दी है, ये एन आर इसके बराबर होगा, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल। तो यानी जो ऊपर वाला है 10, उसको लिख देते हैं 10 फैक्टोरियल, नीचे फिर आता है आर फैक्टोरियल यानी 5 फैक्टोरियल, फिर हम दोनों को माइनस करके लिखेंगे 10 - 5 फैक्टोरियल, ठीक है। ये पावर ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 10 - 5, 5, ये 5 सब पे आ जाएगा, तो ये पावर निकालेंगे, e के ऊपर पावर है 5, तो मैं डायरेक्ट निकाल लूंगा, ये 243 आ जाएगी, अब कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। इसी तरह 2 की पावर 5 क्या होगा, 32, और एक्स की पावर 5 यानी 5, ठीक है। ये डायरेक्ट कैलकुलेटर से आप निकाल लेंगे, इस पे आ जाए 10 फैक्टोरियल यानी 10 × 9 = 8 = 7 = 6 = 5 = 4 = 3 = 2 = 1, ये मैंने बताया होगा फैक्टोरियल इसके बराबर होता है 10, तो इसको 1 तक ले जाओ, 5 फैक्टोरियल यानी 5, 4, 3, 2, 1, 10 - 5 यानी 5 फैक्टोरियल 5, 4, 3, 2, 1।
10-5 आएगा, फिर 5 फैक्टोरियल यानी 5 से लेकर फिर 1 तक, ये फैक्टोरियल इस तरह निकालते हैं। 10 है तो फिर मल्टीप्लाई 1 तक ले जाए, 5 है तो 1 तक ले जाए, इस तरह जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लो, 1 2 3 4 5 2 3 4 5, ठीक है। इसके अलावा जो कैंसिल हो रहा है, 2 1 2 2 3 6, 3 1 3 3 3 9, 5 1 5 5 2 10, 4 1 4 2 8, ठीक है। अब जो बच गया वो लिख लेंगे, तो हमारे पास क्या बचा, 2 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 3 2 और 7 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3
बराबर 5 टू 10, इसको कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 243 x वाले साथ रखना, ये x की पावर 10 थी, ये ऊपर आ गई जाएगी -5, ठीक है, इसको भी देखने में टेबल लग रहा था, ये तो हो गया आपका बेसिक साइन में पावर माइनस हो जाएंगे 10 -5, ठीक है, इस पे 4 का डबल लगा दो, 4 × 32, 4 × 7 = 24, फोर 6 × 24 12 पे 3 टाइम, ठीक है, क्या बचा 63 और इधर -243/8, ठीक है, अब देखिए टेबल लग रहा है ना, मैंने लग रहा है ये क्या नंबर 15309 माइनस का 8 और 8, ठीक है, इस पे देखेंगे टेबल लग रहा है, तो इस पे कोई टेबल नहीं लग रहा, तो बस यही आंसर है हमारे पास, क्या था T6 बराबर है -15309/8 एक्स की पावर 5, यानी वो ये वो छठी टर्म है, छठे नंबर पे आएगी, तो ये इस तरह निकलेगा, ये आपका आंसर है, ठीक है, तो बाकी सारे इसके जैसे हैं वो होमवर्क कर लें, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर
सात सवाल हैं जो मैंने पहला करा दिया है, बाकी सारे इसी तरीके से होंगे। जैसे यहाँ पे छठी टर्म बोली थी, किसी में बोलेंगे कि पांचवी टर्म मालूम करो या चौथी टर्म मालूम करो, तो फिर क्या होगा, आर प्लस वन की जगह बस लिख दोगे जो होगी आर प्लस वन फोर। अगर चौथी टर्म पूछ रहे हैं तो इसमें सिक्स बोली थी तो आर प्लस वन सिक्स कर दीजिए, तो ये फिर आ गया होम वर्क कर लेना। ठीक है, तो ये 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको देखें। इसमें गेम फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द फॉलोइंग, इसकी मिडिल टर्म मालूम करनी है। मैंने आपको बताया था पावर अगर 12 है तो इससे एक ज़्यादा इसमें टर्म्स होंगी, यानी इसमें 13 टर्म्स हैं, तो इसकी बीच वाली होगी 7। ये आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। ये एक और चीज़ देखें, अगर ये पावर जो है वो इवन है तो उसकी मिडिल टर्म 1 होगी, क्योंकि अगर इवन है 12 तो 13 है, यानी फिर उसमें बीच वाली 7 होगी। लेकिन अगर एन ऑड है तो फिर इसके अंदर 2 मिडिल टर्म्स होंगी। इसकी मिसाल इस तरह है कि अगर आप तुम्हें बोलूँ कि जैसे 8 लोग हैं 1 से लेकर 8, तो इसमें बीच वाले कौन से होंगे, इसमें बीच वाला होगा 2 होंगे, चौथा और पाँचवा, ठीक है। क्योंकि जब इवन होता है तो इसके अंदर मिड 2 हो जाएंगे। इस तरह बस ये चीज़ याद रखनी, अगर इवन है एन तो उसके अंदर 1 मिडिल टर्म होगी, एन ऑड होते उसके अंदर 2 होंगी। सवाल देखें फिर और समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, एन है इवन, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे एन प्लस 2.2, एन क्या है 12 प्लस 2 14.2, तो टी हो गया 7, यानी 7वीं जो टर्म है वो इसकी मिडिल टर्म होगी बीच वाली, ठीक है। तो फार्मूला वही लगाएंगे जिससे पहले हमने लगाया था, ए हमारे पास ये है 1/x, बी माइनस एक्स 2, एन 12 है और आर जो है हमारे पास 6। आर 6 के से इससे एक कम होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ये आर प्लस 1 के बराबर है 7, तो अगर आर निकालना चाहें तो 6 आ जाएगा। ये आपको समझाने के लिए लिखा है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, फार्मूला वही जो मैंने आपको लिखवाया था, टी आर प्लस वन एन आर एक और एन माइनस आर और बी आर, इसमें वैल्यू पुट कर दें आप, टी आर प्लस वन ये तो हमारे पास 7 है, आर एस एक्स 7 हो गया, एन क्या है हमारे पास एन 12 है, आर क्या है 6, ए क्या है 1/x, एन माइनस आर एन 12 माइनस 6 6, 12 माइनस 6 6, एन माइनस आर, बी क्या है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 की पावर आर, आर क्या है हमारे पास 6, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें, इसको मैंने बताया था किसके बराबर होता है, ऊपर आ जाएगा 12 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, और दोनों को माइनस भी करेंगे 6 फैक्टोरियल, ठीक है। ये पावर दोनों पे है, 1 तो 1 ही रहेगा, एक्स हो जाएगा 6, ये भी पावर दोनों पे है, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 से 12, 2 के ऊपर 6 ये कैलकुलेटर से निकाल लें 64 हो जाएगी, ठीक है। फैक्टोरियल का मैंने बताया था जैसे 12 है तो उसको 1 पे ले जाओ, ठीक है।
6 है तो 1 तक ले जाओ, 6 5 4 3 2 1। ये फैक्टोरियल जो है ना, ये जो इसका निकालने का तरीका यही है, जिसके भी आगे लगा होगा उसको उसके पीछे तक मल्टीप्लाई करा दो। 12 है तो 1 तक, 12 10 9 इस तरह, 7 6 1 तक, 6 है तो फिर इस तरह 12 माइनस 6 6 फैक्टोरियल, फिर वही 6 5 4 3 2 1। ठीक है, इसको वैसे ही लिख लें। देखने क्या आंसर हो रहा है, 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 ये आंसर होगा। ठीक है, और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। जो बच गया उसको मल्टीप्लाई करा लो, क्या बचा, 2 11 2 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 7, ये बच गया 9 2 4, ये 2 11 2 3 7, 2 11 2 3 7 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ये x ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसके बाद 12 इसकी 6 है कि इस तरह माइनस हो जाएंगे ऊपर आके, जिस तरह पहले बताया था इस तरह होगा, अगर नीचे वाला ऊपर आएगा तो फिर वैसे सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, तो ये इस तरह डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये 64 नीचे आएगा, इन पे देखें डबल लग रहा है, डायरेक्ट कंप्यूटर से कर लें इसको डिवाइड, तो हमारे पास आ जाएगा 100। तो ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, ये मिडिल ड्रम है, इसको लिख दोगे आप टी 7 बराबर है 2 31 अपॉन 16 एक्स की पावर 6। ठीक है, ये उसके मिडिल ड्रम आ गई, तो इसमें एक निकलेंगे, अगर दो निकालने हैं तो आप दो निकाल लीजिएगा। मिसाल के तौर पर पावर अगर है 7 तो 7 प्लस 1 8, 8 अपॉन 2 6, एक 6 के लिए निकालोगे। ठीक है, फिर इस तरह इसके लिए निकालोगे, दो दफ़ा निकालोगे, फिर इसमें एक ही दफ़ा निकालनी क्योंकि शुरू में पावर थी इवन। ठीक है, तो इसके भी बाकी होमवर्क कर लो, बाकी सेम ऐसे ही इधर आओगे। साइज है 2.2। क्वेश्चन नंबर 2 के 2, 3, 4 कर लीजिएगा सेम है, अगर सारे नहीं करना चाहते तो फिर एक दो कर लीजिएगा, ये तीनों सवाल इसी की तरह है। ठीक है, बस पावर अगर ओड हो फिर ये दो दफ़ा निकालना होगा वरना एक ही दफ़ा। ठीक है, तो ये दूसरा सवाल भी हो गया, तो अब ये देख लें, ये 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कह रहे हैं कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ टर्म इन्वॉल्विंग एक्स वाई इन द इक्वेशन। कि इसको जब हम खोलेंगे तो जिस नंबर के साथ, तो इसमें मैं निकालनी है कि टर्म जिसमें इन्वॉल्विंग x5, यानी इसको जब खोलेंगे
तो जिस नंबर के साथ एक्स फाइव होगा वो टर्म निकालनी है, ठीक है। तो वही उसी तरह उसके तरीके से ए हमारे पास ये है, ये बी है, एन टेन है, आर हमें नहीं पता, क्योंकि तो हमें ये नहीं पता कि वो जो जिस नंबर के साथ एक्स फाइव होगा वो कौन सी टर्म होगी, पहली होगी, दूसरी, तीसरी, पाँचवीं, छठी, जो भी। तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाया हमने, पुट किया, एन हमारे पास टेन था, आर का हमें नहीं पता, ए टू एक्स स्क्वायर है, बी की जगह ये लिखा आर। अब इसमें याद रखें कि इसमें आप एक्स को अलग करेंगे, ये पावर दोनों पे थी, ये टू पे अलग लगा दी मैंने और एक्स स्क्वायर पे अलग लगा दी, तो माइनस थ्री पे आर थी और वन अपॉन एक्स आर। ये फिर एक्स जो है ऊपर आएगा तो पावर माइनस हो जाएगी, ठीक है। बाकी ये सेम आ गया, टू मल्टीप्लाई हो गया पावर से टू, टेन द ट्वेंटी, और ये टू आर, नहीं नहीं यहाँ नहीं था, यहाँ मैं लिखा हुआ टू ट्वेंटी और टू आर, बाकी सारे सेम है। अच्छा, इसके बाद ये एक्स जैसे सेम है तो इनकी पावर से हो जाएंगी, तो ये एक्स के अलावा बाकी सारे को इधर रख दिया। अब एक्स की भी इसकी पावर ट्वेंटी माइनस टू, इसकी माइनस आर, इन सबको प्लस कर दिया एक दफा लिख के, तो ये होगी हमारा ट्वेंटी माइनस थ्री आर। अब हम करेंगे ये कि हमें क्या निकालना है, वो टर्म निकालनी है जिसकी पावर इसके साथ एक्स की पावर हो फाइव। तो इस एक्स को हम बराबर रख देंगे एक्स की पावर फाइव के, ठीक है। तो बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हैं, इक्वलेंट हो जाएंगी। ये एक्स फाइव के बराबर इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि हमें वो निकालनी है, ठीक है, सिर्फ इसको उठा के। तो अब इसको हम आगे करें, दोनों बेसिस सेम है तो इनकी पावर बराबर हो जाएंगी, ये हो जाएगा ट्वेंटी इक्वल टू फाइव। यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेंगे, फाइव इधर आके माइनस हो जाएगा और थ्री आर इधर जाके प्लस, ये ट्वेंटी फाइव हो गया और थ्री आर, आर बराबर हो गया ट्वेंटी फाइव अपॉन थ्री के, ठीक है। ये बल्कि माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 और 3 आर, आर हो जाएगा 15 अपॉन 3 के बराबर, ये हो गया आर 5, आर की वैल्यू आ गई। अब आर की वैल्यू इसमें पुट कर दो, इक्वेशन डाल दो, टी आर प्लस वन यानी 5 प्लस वन हो जाएगा 6, टेन आर क्या है 5, टू की पावर क्या है 10 माइनस आर यानी 10 माइनस 5, फिर क्या है माइनस थ्री की पावर आर यानी माइनस थ्री की पावर 5, फिर क्या है एक्स की पावर 20 माइनस थ्री आर यानी 5, ठीक है। तो ये वही मैंने फार्मूला बताया था, ये ऊपर आ जाएगा 10 9 8 7 6 5 4 3, 2, 1, 10 का फैक्टोरियल नीचे होता है 5 का फैक्टोरियल, ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, 10 माइनस 5 का फैक्टोरियल होता है। ये 2 की पावर हो जाएगी 5, 32, 3 की पावर 5, 43 देखें माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा 20 माइनस 15, इसको कैंसिल करो, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, 2 1 2 2 3 6,
3 under 3, 3 under 3, 4 under 4, 4 2 8, 5 5 2 10, जो बच गया लिखना क्या बचा 2 9 2 9 2 7 2 52 बचा इधर क्या बचा 5 आ गई इसको मल्टीप्लाई करवाना होगा ये हो जाएगा 2 52 2 52 2 43 तो टी क्या था हमारे पास 3 6 1 9 5 9 5 2 ठीक है ये आगे हमारे पास यहाँ एक मिस्टेक हुई 3 1 3 3 2 6 होगा ठीक है फिर ये 3 1 3 इसको एक मिनट इसको फिर से कर लूँ फाइव तक तो कैंसिल हो गए थे उसके अलावा लिख रहा हूँ 10 9 8 7 6 2 2 2 3 6 3 3 3 2 9 2 सही किया ठीक है तो ये हमारा आंसर आ गया सही तो ये आगे वो टर्म जिसके साथ x की पावर 5 है ये है इसका आंसर यानी ये वो टर्म है अलग से भी लिख सकते हो साइड लिख देता हूँ 1 9 अच्छा है माइनस में 1 9 5 9 5 2 यानी ये वो टर्म है जिसके साथ x की पावर 5 होगी सही तो इसके बाद हम करते हैं बस ये खत्म हो गया होमवर्क हो गया तो ये इसके बाद जो है आपके सारे सवाल इसके जैसे हैं ठीक है तो बाकी सारी एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 3 का जो मैंने पहला कराया है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के सारे 4 5 6 सारे एक जैसे वो सारे अब करना है ये आप सारे कर लीजिएगा ये सारे इसी की तरह सब में बताया हुआ है कि इस इसमें कौन सी निकालनी थी जिसमें x 5 इन्वॉल्व हो ठीक है इसी में कोई 9 बोला होगा किसी में क्या बोला होगा इसी की तरह बाकी सारे होंगे तो सारे नहीं करेंगे 2-3 सहज सवाल में से एक जैसे करते हैं क्योंकि काफ़ी सारे सवाल हैं तो फिर एक्सरसाइज जो है 2.2 कम्प्लीट हो जाएगी अगर इसमें कोई सवाल वगैरह है
तो आप कमेंट कर दें या फिर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दीजिए, फिर आराम से आप लोग करें। अभी तो आप फ्री हैं, छुट्टियाँ हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं है, यानी घर पे ही हैं सारे, तो ये आप कर लीजिएगा प्रैक्टिस। तो आज के लिए इतना ही है, ये मैथ्स का 2.2 जो है एंड हो गई, ठीक है।